greetings and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 7 of chapter number 1 Knowing Our Numbers. Part 6 में हमने exercise 1.2 complete की थी और इस वीडियो में हम exercise 1.3 solve करेंगे जो कि estimation पे based है. Okay? और next वीडियो में हम करेंगे Roman numbers. Now, what is the estimation? Suppose आपके घर में आपकी birthday party plan कर रहे हैं मम्मा पापा और आपसे पूछते हैं कि बेटा आपके कितने friends आएंगे उस party में, तो आप अपने फ्रेंड्स को काउंट करते हैं और एक रफ फिगर मम्मा पापा को बता देते हैं. सो बर्थडे पार्टी के लिए आपने फ्रेंड्स का नंबर मम्मा पापा को बताया, मम्मा दे विल बी अराउंड थर्टी. ओके, अगर आप पार्क में खेलने गए और जब वापस घर आते हैं तो मम्मा ने पूछा बेटा पार्क में कितने बच्चे खेल रहे थे, आपने बोला मम्मा अराउंड ट्वेंटी किड्स वहां पे खेल रहे थे, राइट? आपको स्टेशनरी का कुछ सामान चाहिए, आप स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं. ओके, स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं और मामा से पैसे लेते हैं. मामा पूछती है बेटा कितने पैसे चाहिए, कितने का सामान आएगा, तो आपने बताया मामा अप्रोक्सीमेटली 100. ओके, सो इन तीनों एग्जांपल्स में हम एक चीज देख सकते हैं कि बर्थडे पार्टी की जो गेस्ट लिस्ट है 30, इसमें एग्जैक्टली 30 होंगे या नहीं ये क्लियर नहीं है. हो सकता है कोई फ्रेंड छूट जाए और आप अपनी लिस्ट में बाद में ऐड करें, दे मे बी 32, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स तो आपके 30 हैं लेकिन पार्टी में कोई नहीं आया तो वो कितने हो जाएंगे 28. इसलिए आपने एक फिगर बताई थी कि 30 फ्रेंड्स मेरे पार्टी में आ सकते हैं. ओके, सो अराउंड 30 का क्या मतलब है कि या तो वो 31, 32, 33 होंगे या 27, 28, 29, लेकिन 50, 60, 100 या 200 नहीं हो सकते क्योंकि ये नंबर 30 से बहुत ज्यादा दूर है, या फिर 5 नहीं हो सकते क्योंकि ये भी बहुत कम है 30 से. सो इसलिए एक एस्टिमेट आपने बताया. ओके, दिस इज दी एस्टिमेशन जहां आप उस नंबर के एग्जिट नंबर के पास का कुछ नंबर डिसाइड करते हैं, बताते हैं. अब आ जाए पार्क के एग्जाम्पल पे. आपने बताया पार्क में 20 बच्चे खेल रहे हैं, 20 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बट आपने काउंट तो नहीं किया था मम्मा के पूछने पे, बस जस्ट एक आपने रफ एक आइडिया दे दिया, रफली 20 किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. ओके, सो 20 दे मे बी 18, दे मे बी 21. ओके, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वो 20 ही होंगे. सो ये भी आपने एक आइडिया लगाया कि इतने बच्चे पार्क में खेल सकते हैं. आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने अप्रोक्सीमेटली 100 बोला, तो आपने एक आइडिया लगाया कि मेरे एक सामान आएगा 10 का, दूसरा आ जाएगा 30 का और तीसरा आ जाएगा 50 का, जो कि टोटल है 90. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, सो आपने क्या लिया मार्जिन 10 का लेके आपने 100 मम्मा को बताया और आप मार्केट में लेके गए अपना सामान, आप 100 रुपीज में ले सकते हैं, यानी इसकी कॉस्ट नॉट मोर देन 100 होगी. ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं अराउंड, रफली, अप्रोक्सीमेटली, नॉट मोर देन, ये क्या बताते हैं, ये हमें एक आइडिया बताते हैं. ओके, कि हमारी जो रिजल्ट है या जो अमाउंट है या जो नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके आसपास है. ओके, तो ये इंग्लिश डिक्शनरी के शब्द हैं, वर्ड्स हैं अराउंड, रफली, अप्रोक्सीमेटली, नॉट मोर देन, लेकिन मैथ में इनके लिए हम यूज करते हैं एस्टिमेशन. दिस इज द एस्टिमेशन
जहां पे हम एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं बल्कि एग्जैक्ट आंसर के पास का आंसर देते हैं. ओके लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें आगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को भी एस्टिमेट करते हैं. लेकिन इसमें फाइनल आंसर हम कैसे देते हैं कि एक तो जो आंसर होना चाहिए क्लोज टू द एग्जैक्ट आंसर, राइट, बहुत ज्यादा उसे दूर नहीं होना चाहिए, और हमारा आंसर हम क्विकली कैलकुलेट कर सके, क्विकली. ओके सो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्या कि आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होना चाहिए, उसके आसपास का होना चाहिए, और क्विकली यानी कि हमारी कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए. ओके सो अब एस्टिमेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड आता है, दैट इज द राउंडिंग ऑफ जिसको हम डिस्कस करते हैं. ओके सो लेट्स कम टू द राउंडिंग ऑफ. सो राउंडिंग ऑफ को समझने का एक मेथड है जो कि हम नंबर लाइन यूज करके समझ सकते हैं. ये एक नंबर लाइन है. ओके सो नंबर लाइन के ये एरोज हमें क्या बताते हैं कि ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा रही है. ये एरोज हमें बताते हैं कि ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा रही है. इसमें बीच में कहीं जीरो होता है जो कि सेंटर पॉइंट है, और उसके बाद राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर. ओके और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं इक्वल डिस्टेंस पे. तो सपोज ये क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. ओके तो यहां से अगर हम कोई भी नंबर ले लें, सपोज 1 ले लें, 1 ले, तो हम देख सकते हैं ये किसके क्लोज है, ये 0 के क्लोज है, क्लोज टू 0. ठीक है, 10 की जगह ये 0 के ज्यादा पास है. और अगर हम 2 की बात करें, ये भी हमें समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये भी 0 के ज्यादा पास है. 3 पे आ जाइए, 3 भी 0 के ज्यादा पास है कंपैरेटिव टू 10. 4 भी 0 के पास है. अब लेकिन अगर 5 की बात करें, सो 5 क्या है, सेंटर में है, इसलिए क्या करेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, ये 0 के ज्यादा पास दिखाएंगे या 10 के पास ज्यादा दिखाएंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे. तो हम, हमारा नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव, तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की साइड. तो ये किसके पास होगा, इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया है, रूल बनाया है कि 5 डिजिट जो होगी हमेशा 10 की क्लोज मानी जाएगी, यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ेगी. ओके और अगर 6 की बात करें तो ये तो क्लियर है एकदम कि 0 से दूर है और 10 के पास है. सिमिलरली 7 की बात करें, ये भी 10 के क्लोज है, 8 भी 10 के क्लोज है, 9 भी 10 के क्लोज है, और 10 तो 10 है ही. ओके सो इस तरीके से कुछ नंबर लाइन पे नंबर्स, कौन सा नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, ये हमें समझ आता है. ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. इसमें हम देखेंगे टेंस, यानी कि अगर ये 0 है, मिडिल पार्ट 0 है, ये मैंने मिडिल में नहीं बनाया है क्योंकि नंबर लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो मिडिल आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके तो यहाँ ये जो 0 मैंने बनाया, इसके बाद इक्वल स्टेप्स में मैं बनाती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन. ओके सो अब यहाँ हर नंबर के बीच में, हर दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 9 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 और 20 के बीच में भी 9 नंबर होंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन. ओके सो अगर हम आते हैं, हमसे पूछा जाए कि बताइए 11 कहाँ पे है, 11 नंबर लाइन में कहाँ होगा. सो 11 कहाँ होगा, दो टेंस चूज करें, किसके बीच में होगा, 10 और 20 के बीच में, इतना हमें पता है. और हमें ये भी पता है कि 11 किसके क्लोज होगा, 10 के क्लोज, तो 11 कहीं यहां पर लाई करेगा,
राइट। दूसरा हमसे पूछा जाए कि आप बताइए 58 कहां लाया करेगा। 58, ये 50 से हमें समझ में आया कि ये 50 और 60 के बीच में कहीं लाए करेगा। 58 किसके ज्यादा क्लोज होगा? 60 के ज्यादा क्लोज होगा, कहीं यहां पे होगा। ओके, ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हंड्रेड्स के लिए भी आता है। सपोज यहाँ पे जीरो है, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, फिर 300, 400, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 500, देन 600 एंड सो ऑन। ओके, सो अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 220 कहाँ लाए करेगा, 220 नंबर लाइन पे कहाँ लाए करेगा। ओके, सो 220 में हम 2 को देख के ये बता सकते हैं कि ये कहीं 200 और 300 के बीच में लाए करेगा, राइट। और 20 हमें क्या बताता है, ये किसके ज्यादा क्लोज होगा? ये 200 के ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे 220 लाए करेगा। सिमिलरली अगर पूछा जाए 598 कहाँ लाए करेगा, 598 किसके बीच में होगा? 500 और 600 के बीच में। 98 कहाँ होगा? 600 के ज्यादा क्लोज होगा, तो 598 कुछ यहाँ लाए करेगा। ओके, तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें अगर, तो ये 1000 के नंबर्स बन जाएंगे। अब इनके बीच में 999 नंबर्स है, यानी कि 0 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स है? 999। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट होगा 2000 इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे 3000 होगा, इक्वल डिस्टेंस पे 4000 होगा, देन 5000 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1161 कहाँ लाए करेगा, 1161 कहाँ लाए करेगा, तो आपको पता है ये कहीं 1000 और 2000 के बीच में लाए करेगा। और जो 161 है वो कहाँ, किसके क्लोज होगा? वो 1000 के ज्यादा क्लोज होगा, तो 1161 कहीं यहाँ पर लाए करेगा। सिमिलरली अगर हम कहें 4938 कहाँ लाए करेगा, सो 4000 मीन्स ये नंबर 4000 और 5000 के बीच में होगा, और 938 का मतलब है कि ये कहीं 5000 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ यूजिंग नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट कम टू द राउंडिंग ऑफ यूजिंग प्लेस वैल्यू। ओके, सो राउंडिंग ऑफ करने के, जैसे नंबर लाइन कॉन्सेप्ट में भी हमने देखा, तो इसके 3 बेसिक मेथड्स हैं जिनसे आगे हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पहला है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। टेंस में एस्टिमेट कैसे करते हैं और हंड्रेड्स में कैसे एस्टिमेट करते हैं, थाउजेंड में कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। ओके, सो सपोज आपके पास कोई नंबर है, अगर 36, राइट, 36 कोई नंबर है, वो किसके बीच में है? दो टेंस ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम नियरेस्ट टेंस में कर रहे हैं तो 36 लाए करेगा 30 और 40 के बीच में, राइट, 30 और 40 के बीच में। सो लेकिन ये जो 6 है टेंस प्लेस पे 3 है और वंस प्लेस पे 6 है, तो 10 के बाद, क्योंकि हम टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो टेंस ने तो ये टेंस बता दिए किसके कौन कौन से टेंस के बीच में ये नंबर आता है, और जो उसकी वन प्लेस यानी कि उसके आगे वाली जो एक प्लेस है वो हमें बताएगी ये किसके ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि यहाँ पे 6 हमें बताएगा कि 30 के पास है या 40 के पास है। अभी हमने रूल देखा कि 6 को हम कहाँ बढ़ाते हैं? आगे, 6 आगे जाता है, 4 तक के नंबर पीछे की साइड जाते हैं, यानी कि 36 कहाँ राउंड ऑफ होगा? 40 पे। ओके, सो 36 विल बी राउंड ऑफ टू 40। अगर कोई अमाउंट 36 है तो हम एस्टिमेट क्या लगाएंगे? दिस विल बी अराउंड 40। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर ले लूं 21 किसके बीच में है? 20 और 30 के बीच में, राइट। तो इसकी टेंथ प्लेस ने हमें बताया कि ये 20 और 30 के बीच में होगा, राइट, और जो इसकी वंस प्लेस है वो हमें ये बताएगी कि ये किसके ज्यादा क्लोज होगा।
तो यानी कि 21 किसके क्लोज होगा, 20 के, इसलिए हम 21 को क्या राउंड ऑफ करेंगे, 20, राइट। सिमिलर कॉन्सेप्ट हंड्रेड्स में भी फॉलो होता है, जैसे अगर मैं यहाँ एक नंबर ले लूं 379, राइट। सो इतना हमें समझ में आता है कि अगर हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना है तो हमें क्या एस्टिमेट करना है, इन दोनों के, ये कौन से दोनों हंड्रेड्स के बीच में, यानी कि 300 और 400 के बीच में ये नंबर लाए करेगा। अब इसकी प्लेसेस देख लेते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, राइट। तो इसके हंड्रेड प्लेस की जो डिजिट थी 3, उसने तो बताया कि ये 300 और 400 के बीच लाए करेगा, लेकिन किसके ज्यादा क्लोज होगा वो हमें नेक्स्ट प्लेस बताएगी, यानी कि टेंस प्लेस बताएगी। यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 कहाँ जाता है, आगे, यानी कि ये किसके क्लोज होगा, 400 के, राइट। सिमिलरली अगर हम एक और नंबर ले लें 513, राइट, तो इसकी जो 100 प्लेस की डिजिट है 5, वो हमें क्या बताएगी कि ये 500 और 600 के बीच में है, और इसकी 10th प्लेस की डिजिट हमें बताएगी कि ये कहां जाएगा, क्योंकि इसमें 1 है, तो ये किसके ज्यादा क्लोज होगा, 500 की, ओके। और यही हम आगे 1000 के लिए भी फॉलो करते हैं। सपोज यहाँ पे है नंबर 3162, राइट। सो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, 10, 100 and 1000। तो इस 1000 डिजिट ने तो हमें बताया कि ये 3000 और 4000 के बीच में कहीं लाए करेगा, ओके। और नेक्स्ट डिजिट यानी कि 100 हमें बताएगा कि ये किसके ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि ये 1 है, तो किसके क्लोज होगा, ये 3000 के क्लोज होगा, राइट। एक और नंबर ले लेते हैं 4862, राइट। सो 4862 में ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। अब ये जो 1000 प्लेस की वैल्यू है, ये हमें क्या बता देगी, ये कौन से दो 1000 के बीच में लाए करेगा, 4000 एंड 5000। और ये जो 100 प्लेस है 8, वो हमें क्या बताएगा, ये किसके ज्यादा क्लोज है, 8 आगे जाता है, यानी कि ये 5000 के ज्यादा क्लोज होगा, ओके। सो दिस इज द राउंडिंग ऑफ यूजिंग प्लेस वैल्यू। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज सेइंग एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, जनरल रूल, ओके। सो फर्स्ट पार्ट है 730 + 998। तो जनरल रूल क्या कहता है वो एक बार हम समझ लेते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम जो एस्टिमेट करेंगे रिजल्ट को, वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, एक तो क्लोज टू एग्जैक्ट रिजल्ट, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है क्विक आंसर, राइट। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यही जनरल रूल है। और एक रूल इसके साथ और है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसकी हाईएस्ट प्लेस तक हम एस्टिमेट करते हैं। सपोज इसमें है 1, 10 एंड 100, यानी 100 हाईएस्ट प्लेस है, तो इस नंबर को मोस्ट प्रोबेबली हम 100 में राउंड ऑफ करेंगे। ये मैक्सिमम केसेस में होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हर बार हम फॉलो करते हैं, कई बार केसेस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलती हैं, वहां पे कई बार 100 प्लेस के नंबर को भी हमें टेंस में करना पड़ता है। सो 730 में हम क्या देख सकते हैं कि ये 1s है, ये 10s है और ये 100s है, राइट। सो इसकी 100 प्लेस की डिजिट हमें बताती है कि ये 700 और 800 के बीच में होगा, ओके। सो और इसका जो 10th प्लेस की डिजिट है 3 हमें बताती है ये किसके ज्यादा क्लोज होगा, 700 के। तो हम क्या लिखेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे इसके लिए। हम क्या यूज करेंगे, विल बी राउंड ऑफ टू, ये जो एडिशन है राउंड ऑफ होगा कैसे, 730 राउंड ऑफ होगा 700 में, क्योंकि इसके 3 ने हमें बताया कि ये 700 के क्लोज होगा, ओके। और 998 कहाँ जाएगा, 998 यानी कि ये 900 और 1000 के बीच में है, और 10th का ये 9 बताएगा कि ये 1000 के ज्यादा क्लोज है, ओके।
So answer will be 1700. Okay. So this is the general rule कि हम maximum जो place होती है किसी भी number की वहां पे estimate करके quickly answer दे सकते हैं और जो exact result के कुछ आसपास का number होता है. Suppose यहाँ पे है एक number 796 minus 314. सॉल्यूशन लिख लें. अब एक प्रॉपर मेथड के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर स्टेप्स के साथ. तो सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 796 minus 314 will round off to equal sign हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम exact value calculate नहीं कर रहे हैं. राउंड ऑफ टू ये 796 किसके क्लोज होगा? 700 और 800 के बीच में आएगा और इसका जो 9 है वो हमें बताता है कि ये 800 के ज्यादा क्लोज होगा. और 314 किसके बीच में आएगा? कौन से 100 के बीच में? 300 और 400 के बीच में, राइट. सो इसका जो 10th प्लेस का 1 है वो हमें बताएगा कि ये 300 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए रिजल्ट किसमें आएगा? 300 में. ओके. एंड 800 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 500. दिस इज द एस्टिमेटेड आंसर फॉर द सब्ट्रैक्शन बी पार्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी व्हिच इज सेइंग 12904 प्लस 2888. ओके. सो इसमें हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि इसमें प्लेसेस कैसे गिवन है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. और 2,888 में वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. यानी कि ये छोटा नंबर जो है इसमें मैक्सिमम प्लेस क्या है? थाउजेंड. इसलिए जल्दी से हम दोनों नंबर्स को थाउजेंड में एस्टिमेट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं. जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन हम नंबर लिखेंगे 12,904 प्लस 2,888 will round off to, will round off to, कैसे होगा ये 12,904 किसके बीच में होगा? 12,000 एंड 13,000 के बीच में. किसके ज्यादा क्लोज होगा? वो ये 9 बताएगा, यानी कि ये 13,000 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट. अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, 2,888. ये किसके बीच में होगा? 2,000 और 3,000 के बीच में. और इसकी 100 प्लेस की डिजिट हमें बताएगी कि ये 3000 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट. 3000. आंसर क्या हुआ? 16,000. ओके. सो इसी तरीके से हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे. डी पार्ट इसमें कह रहे हैं 28,292 माइनस 21,496. ओके. सो 28,000 अगर इसे हम 10,000 तक एस्टिमेट करें, सपोज हम कह देते हैं इस वाले नंबर को कह देते हैं 30,000, क्योंकि 28 30 पे राउंड ऑफ होगा. और 21 को कह देते हैं कितना? 20,000. ओके. सो तब जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 30,000 माइनस 20,000 रिजल्ट हो जाएगा 10,000. ओके. अगर इसे हम 1,000 में एस्टिमेट करते हैं तो 28,292 किसके बीच में है? 28,000 और 29,000 के बीच में. और ये जो 100 प्लेस का 2 है वो क्या बताएगा? ये 28,000 के ज्यादा क्लोज है. तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे 28,000 माइनस. सिमिलरली 21,000 की अगर बात करेंगे तो यहाँ 1,000 प्लेस पे 1 है, ये किन किन के बीच में होगा? 21,000 22,000 के बीच में ये नंबर लाए करेगा. और इसका जो 100 प्लेस का नंबर है वो बताएगा हमें कि ये 21,000 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट. सो आंसर कितना होगा? 7,000. दोनों आंसर में हम देख सकते हैं कि ये जो 7,000 है इन दोनों नंबर्स के एग्जैक्ट डिफरेंस के काफी क्लोज है और 10,000 उनके डिफरेंस से काफी दूर है, काफी बड़ा नंबर है उनके डिफरेंस से. इसलिए हमने इन नंबर्स को किसमें एस्टिमेट किया? थाउजेंड्स में, ना कि 10,000 में. तो हमें दोनों रूल फॉलो करने हैं किसी भी इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हमें दो रूल फॉलो करने होते हैं,
कि क्लोज टू एग्जैक्ट नंबर्स, क्लोज टू एग्जैक्ट रिजल्ट एंड क्विक आंसर हम उसको कैलकुलेट कर सके. ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. सो नियरेस्ट टेंस में जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ऑब्वियस है कि एस्टिमेशन होगा वो एग्जैक्ट आंसर के काफी क्लोज होगा. ओके, और जब नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम एस्टिमेट करते हैं तो वो थोड़ा रफ आइडिया होगा. ओके, सो लेट्स कम टू द ए पार्ट. इसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड. सो इसमें अगर हम देखें 439 कौन से हंड्रेड्स के बीच में है, वो है 400 और 500 के बीच में, राइट. और इसका जो 3 है यानी कि जो टेंथ प्लेस की डिजिट है वो हमें क्या बताएगी कि ये 400 के ज्यादा क्लोज है. इसलिए 439 को हमने राउंड ऑफ किया 400 में. ओके, प्लस अब हम आएंगे 330 के 4 के पास, वंस टेंथ एंड हंड्रेड्स. ये होगा 300 और 400 के बीच में और इसकी टेंस की 3 बताएगी कि ये 300 के ज्यादा क्लोज होगा. प्लस इसमें जो हंड्रेड्स है 317 वो 300 और 400 के बीच में होगा. यहाँ भी प्लेसेस लिख लेते हैं. ओके, सो और इसका जो टेंस प्लेस का 1 है वो हमें बताएगा कि ये 300 के ज्यादा क्लोज है. सो ये हो जाएगा 4300, राइट. और इसका जो सम आएगा 400, 300, 700, 300, 1000, 1000 plus 4000, 5000. Okay, so this is the estimation for nearest 100. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस. वो कैसे करते हैं, जैसे हम 439 की बात करें, इसमें क्या है टेंस 39. ओके, सो 39 कौन से टेंस के बीच में होगा, 30 and 40. ओके, और इसका 9 बताएगा कि ये 40 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसकी जगह हम लिखेंगे 440. प्लस 334, टेंस कौन से हैं, 34 किसके बीच में है, 30 और 40 के, और 4 बताएगा किसके क्लोज है, 30 के, राइट. सो ये बन जाएगा 330. प्लस 4317, टेंस है 17 जो बीच में होगा 10 और 20 के, और 7 कहाँ ले जाएगा इसको, 20 पे. तो ये बन जाएगा 4320. ओके, सो ये ऐड करते हैं 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90. ओके, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 0 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 यानी कि 5090. सो दिस इज द राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हंड्रेड्स में एस्टिमेट करेंगे. हंड्रेड्स क्या है, 734, ये जाएगा 700 और 800 के बीच में, 3 बताएगा कि ये 700 के पास में है. ओके, सो ये बन जाएगा 1,08,700 माइनस, इस पे आ जाते हैं हम, 599 है इसमें हंड्रेड्स, ये है 500 और 600 के बीच में, राइट. और इसका जो 9 है हमें बताएगा कि ये 600 के ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ बन जाएगा 47,600. अब डिफरेंस ले लेते हैं, 700 माइनस 600 100, फिर आ जाएगा कॉमा, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 4 इज 6, यानी कि 61,100. अब इसको भी सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, टेंस में राउंड ऑफ करना है, टेंस में. तो सिमिलर हम वही करते हैं, हम जाएंगे 34 के पास फर्स्ट नंबर में. 34 किसके बीच में है, 30 और 40 के बीच में, राइट. और 4 बताएगा किसके पास है, 30 के पास. यहाँ हम किसके पास आएंगे, 99 के पास टेंस के लिए, और ये बताएगा 90 और 100, और 99 किसके क्लोज है, 100 के, इसलिए 100 से ये 599 क्या बन जाएगा, 600, राइट. सो यहाँ पे दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं, 1,08,730 माइनस, ये बन जाएगा 47,600. ओके, 47,600. जब डिफरेंस लेंगे तो 730 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 130, राइट. और इसको माइनस करें, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 4 इज 6, तो आंसर इज 61,130. नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट.
इसमें भी हम जब 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो कहां जाएंगे, 325 के पास, ये बीच में होगा 300 और 400 के, 2 बताएगा कि 300 के ज्यादा क्लोज होगा, तो हम यहां लिख लेंगे 8300, राइट, माइनस 491, ये 100 में है, कौन से 100 के बीच में है, 400 एंड 500 के बीच में, और 9 बताएगा कि ये 500 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए 500, ओके, तो यहां पे आएगा 7800, ओके, सो सेकंड हम करते हैं राउंड ऑफ टेंस में. टेंस में राउंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट नंबर पे हम कहां जाएंगे, 25 के पास, 25 के पास चलते हैं, और 25 किसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में, ओके, और 5 इसको कहां ले जाएगा, 30 पे, यानी कि ये बन जाएगा 8330, राइट, माइनस 491, इसका टेंस क्या है, 91, यानी ये जाएगा 90 और 100 के बीच में, और 1 बताएगा कि ये कहां आएगा, 90 पे, यानी कि 490, राइट, और इसका डिफरेंस क्या होगा, 0, 13 माइनस 9 इज 4, 12 माइनस 4 इज 8, एंड देन 7, ओके, सो आंसर विल बी 7800 फॉर नियरेस्ट 100 और 7840 फॉर नियरेस्ट 10. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट. 100 में एस्टिमेट करना है, हम चलते हैं 348 के पास, वो बीच में होगा 300 और 400 के, ओके, और जो 4 है वो बताएगा 300 के क्लोज है 348. सो हम इसको लिखेंगे 489,300 माइनस, अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, 365, जो बीच में है 300 और 400 के, और 6 बताएगा कि ये 400 के ज्यादा क्लोज है, तो हम लिखेंगे 48,400, राइट, अब हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, 0, 13 माइनस 4 इज 9, ओके, 8 माइनस 8 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4, एंड देन 4, 440,900. Now come to the second part. Second part के लिए हम क्या करते हैं? Second part के लिए हम चलेंगे tens के पास. Okay, tens के पास चलते हैं. Tens है इसमें 48. 48 किसके बीच में है? 40 और 50 के बीच में. 8 बताएगा 50 के पास है. 65, 60 और 70 के बीच में है, 5 बताएगा ये 70 के ज्यादा पास है, तो एक बार लिख लेते हैं 489,350 माइनस 48,370, ओके, अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 7 इज 8, 12 माइनस 3 इज 9, ओके, और 8 माइनस 8 इज 0, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी कि 440,980. सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हर पार्ट को 100 में भी राउंड ऑफ किया और 10s में भी राउंड ऑफ किया. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. टू द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज सेइंग एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल. जनरल रूल वही जिसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट क्लोज टू द एग्जैक्ट रिजल्ट और क्विक हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ए पार्ट में जैसे हम बात करेंगे सॉल्यूशन, सो 578, तो जो लार्जेस्ट प्लेस है वो क्या है, 100, तो 578 किसके बीच में है, 500 और 600 के बीच में, और ये जो 7 है वो बताएगा कि ये बनेगा 600, राइट. 161 कौन से 100 के बीच में है, 100 और 200 के बीच में, इसलिए ये कहां जाएगा, ये 10th प्लेस का 6 हमें बताएगा ये जाएगा 200 पे, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 इंटू 2 12 और 4 जीरो 1 2 3 4, 120,000, राइट. नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट, 5281. सो इसमें हम क्या करेंगे, 5281 यानी कि मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 1s, 10s, 100 एंड 1000. सो 1000 में एस्टिमेट करेंगे, इसको बनाएंगे हम 5000, ओके, क्योंकि ये 2 जो है ये बता रहा है कि ये 5000 के पास होगा, मल्टीप्लाई विद दी
ये किसके बीच में आएगा? 3000 और 4000 के बीच में, और 4 ने बताया कि ये 3000 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट? और रिजल्ट क्या होगा? 5 3s 15 और दोनों के 3 3 0s ऐड होके यहाँ आ जाएंगे 6 0s, 2 3 4 5 6 और ये नंबर बन जाएगा 1 crore 50 lakh. ओके, 1 crore 50 lakh इज द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर सी. ये जो दोनों नंबर्स गिवन है हमें, इसमें 592 की मैक्सिमम प्लेस है 100, इसलिए हम दोनों नंबर्स को 100 में एस्टिमेट कर लेते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. तो 1291 कौन से 200 के बीच में है? 1200 एंड 1300. और 592 किसके बीच में है? 500 और 600 के बीच में. इसमें 1291 किसके क्लोज है? 1300 के. तो यहाँ आएगा 1300 मल्टीप्लाई विद दी 600, क्योंकि 592 600 के ज्यादा क्लोज है. और आंसर क्या आ जाएगा? 13 6 78, राइट? और ये 20, ये 20, यानी कि 4 0s, 7,80,000. कम टू दी बी पार्ट, जिसमें हमसे कह रहे हैं 9,250 मल्टीप्लाई विद दी 29, राइट? सो इसमें क्या है कि अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि जैसे 29 की मैक्सिमम प्लेस क्या है? 10s, ओके, और ये बन जाएगा 30. और इसकी, इसको भी अगर टेंस में एस्टिमेट करेंगे तो क्या बनेगा? ये सेम ही रहेगा, क्योंकि 50 50 के ही क्लोज है. ओके, सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्विक नहीं होगी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरीके के केसेस में हम दूसरा रूल फॉलो करते हैं, और जनरल रूल, कि एक नंबर को तो हमने टेंस में एस्टिमेट कर लिया, दूसरे नंबर को हम उसकी मैक्सिमम प्लेस तक एस्टिमेट कर सकते हैं. 9,250 किसके बीच में है? 9,000 और 10,000 के बीच में. और इसका ये जो 2 है, ये हमें बताता है ये 9,000 के ज्यादा क्लोज है. इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा 9,000 मल्टीप्लाई विद दी 30. ओके, और आंसर होगा 9 × 3 = 27 और इसके 3 0, इसका 10, 4 0s. ओके, सो ये क्या नंबर बन गया? 2,70,000. So this was the exercise 1.3. Okay, so we completed the exercise 1.3 today. Next, in the next video, we will do the Roman numbers. Okay, so that's all for today. If you कोई भी query है अगर आपको, तो मुझे please comment box में पूछिएगा. So take care. Bye bye.